हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रिया खंडेलवाल प्रिया संघ पूजन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। माँ बाप बहुत परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, क्योंकि बच्चा जिद्दी बहुत हो गया है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, बुरी संगत हो गई है। तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए ही लेकर के आई हूँ। पूज गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स पे प्यारा सा नाम महादेव का अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको लेना है आटे का दिया, आटे का चौमुखी दिया बनाना है आपको, और लंबी बाती लगानी है रुई की, उसमें घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसको छुआ देना है, टच करा देना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अब उसके बाद आपको शाम के टाइम चले जाना है चौराहे पे, किसी भी चौराहे पर आप जा सकते हैं, और वहां पर चारों ही बाती को जलाना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, उस बच्चे का नाम लेते हुए उन चारों बाती को जला देना है। यह उपाय आप नवमी या दसवीं तिथि के दिन कर सकते हैं। यदि आपको चौराहे पर जलाने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे इस दीपक को जला सकते हैं। चारों बाती को जलाते समय बस अवधूतेश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना है। किसी भी चीज को कंट्रोल जब हमें करना होता है तो हम अवधूतेश्वर महादेव का ही नाम का स्मरण करते हैं। तो इस नाम में किसी भी चीज को कंट्रोल करने की अपूर्ण शक्ति है। तो ऐसा आप उपाय कर सकते हैं और इससे आप देखेंगे कि आपका बच्चा अच्छी संगत में जाएगा, उसका पढ़ने में मन लगेगा, वह बुद्धिमान हो जाएगा, जिद्दी कम हो जाएगा। तो आप ये उपाय अवश्य करें। अब दूसरा उपाय क्या है, आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन को आप घिस लीजिए, घिसने के बाद आपको त्रिकुंड लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिकुंड लगाएं और उसके बाद उन्हीं उंगलियों से जाकर के शिवलिंग महादेव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर त्रिकुंड लगाएं, फिर वही उंगलियां ला करके घर पर, आप जब घर आएंगे तो उन्हीं उंगलियों को आपको जहां पे बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई करता है, जहां बच्चे का कमरा है, आप वहां पर कहीं भी टेबल पे, मेज पे, कहीं भी उस त्रिकुंड को लगा दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, बच्चा जिद्दी नहीं होगा और बच्चा किसी भी गलत संगत में जा ही नहीं सकता कभी। तो आप ये उपाय करें और पूर्ण विश्वास के साथ करें, देखेंगे महादेव की कृपा आपके बच्चे पर अवश्य बनेगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।